जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज समझते हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम उदाहरण के माध्यम से कि क्या हो सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें परिभाषा क्या दी हुई है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया में बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों द्रव्य का संरक्षण नियम क्या कहता है, सिंपल भाषा में आप समझिए, ना तो इसमें ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये वेटिंग मशीन हमने ले ली है। तो इस फ्लास्क में हमने थोड़ी सी मात्रा में नमक निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सल्फर पाउडर और इसका अब वजन करना है। और इसका हम वजन कर लेंगे कितना है ये। तो देखिए इसमें 110 ग्राम दिखा रहा है, 110 ग्राम है। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपली इसको गर्म करेंगे और फिर उसके बाद ठंडा करने के बाद फिर से इसका एक बार वजन करेंगे, देखते हैं क्या कोई बदलाव होता है या नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं हम इसको गर्म कर रहे हैं और देखते हैं क्या इसके वजन में कोई बदलाव आता है या नहीं। अब देख सकते हैं जैसे ही सल्फर गर्म होगा फास्फोरस पेंटाक्साइड के धुएं से भर जाएगा पूरा फ्लास्क। चलिए देखते हैं। तब से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आप ये देख सकते हैं पूरा जो फ्लास्क है फास्फोरस पेंटाक्साइड के धुएं से भर चुका है। तो चलिए ठंडा हो चुका है फ्लास्क हमारा, ठंडा हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या वजन में कोई बदलाव आया है या फिर उतना ही है। तो आप ये देख सकते हैं 110 ग्राम पहले भी था और उसके बाद जब जलाया उसके बाद भी इसका वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं उतना ही वजन अभी भी बता रहा है। तो यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि ना तो पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है और ना ही पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। जैसे कि इसमें फास्फोरस था, बाद में देख सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्साइड के रूप में बदल गया, लेकिन वजन में इसका कोई बदलाव नहीं आया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।